नमस्कार दोस्तों, आज जो बात बताने जा रहा हूं वो आपको गौरव की अनुभूति भी कराएगी और मन में गुस्सा भी लाएगी। किस तरह से इतिहासकारों ने हमारे साथ छेड़छाड़ की है, किस तरह से हमारे अपने लोग इतने घटिया हो गए कि वो अंग्रेजों के गुलाम परस्ती तो की, उसके बाद में आज भी वो विदेशी साहित्यकारों, इतिहासकारों, रिसर्चर्स की गुलामी करते हैं। और यही वजह है कि हमारा जो समृद्ध इतिहास है वो सच में लोगों के सामने नहीं आ पाता। आज मैं आपको इस तस्वीर के सच के बारे में बताने वाला हूं। आपको इसकी बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी सिंगुलर ऑपरेशन के नाम से। ये आज भी इसकी जो ओरिजिनल प्रति है वो ब्रिटेन के म्यूजियम में उपलब्ध है। आपको मैं ये बता दूं, 1794 की ये पेंटिंग है, 1794 की द जेंटलमैन मैगजीन आती थी उसके लिए बनाई गई थी। ये कोआस जी, या जैसे भी उसको प्रोनाउंस किया जाए, कोआस जी एक पारसी व्यक्ति है जो कि बैलगाड़ी चलाता था उस वक्त, मराठा लड़ाका था ये व्यक्ति और अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ता था। टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़ाई हुई थी, इसकी नाक काट दी गई थी। ये एक बहुत सामान्य सजा होती थी उस समय पर, जो युद्ध बंधक होते थे तो उनकी नाक काट दी जाती थी सजा के तौर पर। और इस आम परेशानी के लिए आम इलाज भी मौजूद था भारत में। जब इस व्यक्ति को लेकर गए वहां पर अंग्रेजों के पास में, जो उनके सेनाध्यक्ष और लेफ्टिनेंट वगैरह थे, तो उन्होंने कहा क्या इलाज करवाया जाए, क्या ब्रिटेन से किसी को बुलाया जाए, कुछ करवाया जाए, तो इस व्यक्ति ने बताया कि कुमार नाम का एक शख्स है, उसके पास मुझे ले चलिए, वो मेरी नाक जोड़ देगा। ये घटना आपको मिल जाएगी, ये ऑथेंटिक रूप से कई पुस्तकों में इसका जिक्र किया गया है। बल्कि इनफैक्ट जिन लोगों ने चुराया है उन्होंने भी इतनी ईमानदारी तो बरती है कि कहीं कहीं उसको डाल दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सच बहुत समय तक तो छुपाए छुपेगा नहीं। बहुत समय तक आप कह लेंगे कि हमने ये शोध किया, हमने ये रिसर्च की। अभी मैं आता हूं, आपको उसकी डिटेल बताता हूं। अब ये व्यक्ति ने जब कहा कि आप मुझे कुमार के पास ले चलिए, कुमार एक व्यक्ति का नाम है जो कि नाक को सी देता है, नाक को दोबारा जोड़ देता है, कटी हुई नाक को, अगर नाक आपके पास है तो। इन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये उसके पास लेकर गए। उसने जैसा कि इस व्यक्ति ने बताया था, उसने नाक को सी दिया और नाक को सीने के बाद में 10 महीने के भीतर ये व्यक्ति ठीक हो गया और 10 महीने बाद ये चित्र बनाया गया था। सिंगुलर ऑपरेशन इसका नाम है। इसको आप सर्च करेंगे तो इसके बारे में काफी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन हद तब हो गई जब ये 1795 की घटना हो गई, 1795 में सब कुछ हो गया है। हद तब हो गई 1794 में, 95 में ये तस्वीर फिर बनी साल भर बाद। 1815 में कार्प्यू, CARPUE, इनको भी जैसे प्रोनाउंस करना है, ये जो मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी के जनक माने जाते हैं, ब्रिटिश थे, इन्होंने 1815 में एक सर्जरी की, फर्स्ट नोज जॉब उसको कहा जाए। 1815, बहुत लंबा समय बीत गया, ये 95 से 15-20 साल का समय बीत चुका है। और ये उसके, आपको बता दूं 1895 में ये शख्स कहां था, 1895 में ये शख्स भारत में आया। जब ये तस्वीर और इस ऑपरेशन की जानकारी मिली तो आकर चेक करना शुरू किया कि भाई ये कैसे किया इन्होंने, 20 साल तक यहां पर रहकर सुश्रुत संहिता से, ध्यान दीजिएगा, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपको मिल जाएगी जानकारी, ये व्यक्ति ने स्वीकार किया खुद, सुश्रुत संहिता में जिस तरीके से प्लास्टिक सर्जरी का वर्णन किया गया था, सुश्रुत ऋषि ने जिस तरीके से इसको बताया था, उस तरीके से उन्होंने उसको परफॉर्म किया और वो हो गया। और ये जो कुमार शख्स था, ये सुश्रुत संहिता के जरिए ही एक वृत्त परंपरा चली आ रही थी प्लास्टिक सर्जरी की, या नाक को दोबारा बना देने की भारत में, उस परंपरा को वो आगे बढ़ा रहा था। ऐसे कई लोग उस समय पर हुआ करते थे और उससे पहले भी हुआ करते थे। निश्चित तौर पर वो बहुत बात की परंपरा का इंसान था, वो भी तब जबकि मुगलों का और हाँ, एक और दिलचस्प बात, यहां से सुश्रुत संहिता और चरक संहिता, चरक के भी कई सूत्र, सुश्रुत के भी कई सूत्र चुरा कर ले जाए गए और अरबी में उनका ट्रांसलेशन कर दिया गया, अरब भाषा में। और ये और थोड़ा सा इतिहास को खंगालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुल मिलाकर सुश्रुत, जो कि बहुत पहले के ऋषि हो गए, जो कि सुश्रुत संहिता आप सुनते होंगे, सुश्रुत थे, चरक थे, इनकी तस्वीरें बड़ा देखते होंगे, पतंजलि के बारे में हम जानते हैं क्योंकि वो योग की बात करते थे, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी पर, आयुर्वेद पर, मेडिसिन पर, मेडिकल साइंसेस पर हमने बहुत पहले बहुत काम किया था। और वो लोग जो ये कहते हैं कि अरे आप भारतीय तो हर जगह क्लेम कर देते हैं और हर चीज को जोड़ देते हैं, वो ऐतिहासिक तथ्यों में कभी जाते नहीं, इतने गवार लोग हैं और इतने घटिया लोग क्यों हैं? क्योंकि उनको सहजता है, हमें खुद तो कोई रिसर्च करनी नहीं है, हमें खुद कोई शोध करना नहीं है, किसी ने शोध कर रखा चलो उसको सच मान लेते, अब कौन है डिक्ले?
हमारे यहां तो कभी हुआ ही नहीं होगा कुछ, क्योंकि हमने तो हमेशा गुलामी देखी है, हम तो हमेशा गरीब रहे हैं, हम तो हमेशा दरिद्र रहे हैं, हमें तो हमेशा लोग लूटते रहे हैं, तो हमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता था। इस तरह की मानसिकता के ये आपके देश में बसे हुए लोग हैं और इनसे सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन क्योंकि अब भारत आगे बढ़ रहा है और इतिहास कभी दबाए नहीं दबता है, सच्ची बात यह, सच्चाई तो सामने आ जाती है। 100-200 साल आप दबा भी लें तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमें तो उसके 700-800 साल दबाया गया। अब समय आ गया है कि हम अपनी चीजों को सामने रखें। ये एक बैलगाड़ी चालक की कहानी है जो बताती है कि किस तरीके से सुश्रुत संहिता का इस्तेमाल करके फर्स्ट नोज जॉब, जिसको ब्रिटेन में कहा जाता, 1815 में जो हुआ वो 1795 में भारत में हो चुका था। जिस शख्स ने 1815 में किया वो 1795 में इस घटना के बाद भारत आया है, इसका उल्लेख है, इसकी पूरी जानकारी है, बिल्कुल ऑथेंटिक है। और 20 साल तक भारत में रहकर उसने सुश्रुत संहिता का अध्ययन किया और इन लोगों के बीच में रहा जो इस तरह की चीजों को परफॉर्म करते थे। समझ रहे हैं आप कितना बड़ा खेल है, और यही भारत के इतिहास के साथ हुआ है हमेशा से। यही उन लोगों ने किया है जिन्होंने अपने नाम पर चुराकर अपने नाम पर सारे शोध प्रकाशित कर दिए। आज आप जाएंगे रिसर्च गेट और तमाम दूसरी वेबसाइट पर देखेंगे तो अपने नाम पर शोधों को डाल रखा है लोगों ने, यहां से निकाल निकाल। और हम, हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, हमारे पास ये पुस्तकें हैं, लेकिन हम कभी गरज नहीं है कि हम अपने उपनिषद, अपनी संहिताओं को कभी पढ़ने का प्रयास करें। एक छोटा सा प्रयास आपके साथ में कोशिश कर रहा हूं कि किया जाए। ये जानकारी दिए, मैं जानता हूं कि 6-7 मिनट के वीडियो में सारी चीजें बताना मुमकिन नहीं होता, बट ये है चीज, अ सिंगुलर ऑपरेशन। जाइए, शोध करिए, पढ़िए सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, इनको देखिए, आप सचमुच में विश्व गुरु थे और आप विश्व गुरु बनेंगे। नमस्कार।